भारत ने चीन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में डंका बजाया है। ओवरसीज इंडियन, दूसरे ममालिक में बसने वाले इंडियंस, उन्होंने ये कमाल कर दिखाया है। इंडिया की यूथ इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, वो इंडिया की पावर है और उन्होंने साबित किया है। और यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक भारतीयों ने अपने देश सबसे ज्यादा पैसा विदेश से स्वदेश भेजा है, जो कि उनकी जीडीपी का 3.2% हिस्सा जो है उन्होंने अर्न करके अपने देश इंडिया में भेजा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, इससे पहले दुनिया की किसी भी कंट्री में इतनी बड़ी तादाद में रकम ओवरसीज की तरफ से नहीं भेजी गई कि उन्होंने अपने कंट्री में अपनी हुकूमत के लिए इतनी बड़ी अमाउंट रेमिटेंसेस के तौर पर भेजी है कि अब यह कहा जा रहा है कि पहली मर्तबा कोई कंट्री इस माइलस्टोन पर पहुंचा है कि वो 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा रेमिटेंसेस जो है वो वसूल करेगा। इंडिया के पास तकरीबन 100 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस आई है और ये इंडियन डायस्पोरा भेज रहा है। अब पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है वो ट्रस्ट ही नहीं करता इस हुकूमत के ऊपर। पाकिस्तान में जो है रेमिटेंसेस के अंदर बहुत ज्यादा डिक्रीज पाया गया है। बार बार कर्जों से मईशत चलाने के बावजूद पाकिस्तान में इस्लाहात नहीं हो पा रही। द फर्स्ट कंट्री टू सरपास द 100 बिलियन यूएस डॉलर थ्रेशोल्ड अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस। पाकिस्तान के लिए आईएमएफ से कर्जों का हुसूल हमेशा से ही एक मसला रहा है। अच्छा, पाकिस्तान का डायस्पोरा ट्रस्ट नहीं करता और उन्होंने जो पेमेंट है वो कम भेजी है, जबकि इंडियन डायस्पोरा जो है वो ट्रस्ट कर रहा है तो वो उन्होंने 100 बिलियन डॉलर से ऊपर भेजी। रिपोर्ट्स कुछ कहते हैं, ऐसे बता रही हैं कि पाकिस्तान में जो है रेमिटेंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा डिक्रीज पाया गया है। अगर हम 2024 के मुताबिक देखें तो 2023 की नस्बत 30 मिलियन डॉलर का रेमिटेंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। दूसरी जानब वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उनके रेमिटेंसेस जो है बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज हो रही है और इस टाइम जो है वो 125 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर का भी जो यूथ है वो मुल्क से बाहर जा रहा है रोज़गार के लिए, अच्छे लाइफ के लिए, और वहाँ जो वो जॉब करते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, वो पैसा वो अपने मुल्क अपने फैमिली में भेजते हैं। अच्छा, ये सवाल जब मेरे सामने आया मैं सोची थी, मैंने कहा यार हम 8.8 बिलियन डॉलर का लोन आईएमएफ से लेने के लिए उनकी हर वो शर्त मान रहे हैं जो गरीब आदमी का गला घोटेगी, जो गरीब आदमी से रोटी छीनेगी, जो गरीब आदमी को खुदकुशी करने पे मजबूर करेगी, और दूसरी तरफ इंडिया के नौजवान 125 बिलियन डॉलर अपने मुल्क में भेज रहे हैं। सर कितना बड़ा फ़र्क है, हम 25 करोड़ आवाम 8.8 बिलियन डॉलर और वो 125 135। यही तो अलमी है ना, ये बहुत बड़ा फ़र्क है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है ना। आप ये देखें भी उन इंडिया में आईटी लेवल की हद तक है, ठीक है ना, उनके जो लोग हमारे जो लोग यहाँ पे सीखते हैं, ऑनलाइन वर्किंग करते हैं या अमेज़ोन पे कोई भी जो आजकल नए आए हुए हैं उन पे जो काम करते हैं वो सीखते हैं, बस थोड़ा सा ये कमीशन बेस पे काम करते हैं। उन्होंने खुद अपने इतने बड़े बड़े एम्पायर बनाए हुए हैं इंडिया वालों ने, इतनी इतनी बड़ी कंपनीज को उन्होंने ओपन किया हुआ है ना, तो जाहिर सी बात है अभी वो इस तरह हमारे लेवल काम करने में तरीके में और उनके काम करने में तरीके में बहुत फ़र्क है। हम अभी ग्राउंड लेवल के उन किसी के अंडर है, वो उन्होंने इस चीज़ को नहीं छोटे लेवल पे किया, मतलब एक कपड़े का काम किया किसी औरत ने किसी गाँव में, तो उसने खुद अपनी वो इंडस्ट्री बनाई है छोटी सी स्मॉल इंडस्ट्री, फिर जब बाहर की उसने उस इंडस्ट्री को इस तरह अलग अंदाज में पेश किया, अभी बाहर के लोग अट्रैक्ट हुए उसकी तरफ इन्वेस्ट किया, हमारे में अभी वो चीज़ नहीं आ रही ना, हमारे में उस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोगों को। ठीक है, वो लोग है वो अपने बस खाने पीने के बस बेसिक नीड्स पे ही अभी हमारे रोटी दो टाइम की रोटी के ऊपर ही वो गुजारा कर रहे हैं, अभी हमारे आज सुबह ये नाश्ता किया तो शाम को ये हम खा सके। और सियासत भी रोटी पे ही चल रही है, सियासत भी रोटी पे चल रही है। हर सियासतदान ने यही ख्वाब देखा है कि मैं अपने दौर में रोटी सस्ती करूंगा, हालांकि जैसे आपने कहा कि इंडिया में आईटीस पे काम करे, उनके मुल्क में बड़ी बड़ी गाड़ियां बनी है जो कभी इम्पोर्ट होती थी, उनके मुल्क में जंगी जहाजों के सामान बने, वो कहाँ तक चले गए। हमारे यहाँ पे मतलब की दोस्त जो गए, हमारे सीनियर्स जो गए ऑस्ट्रेलिया गए, वो यहाँ पे एमफिल की डिग्रीज करके बीबीए में इस तरह करके मास्टर्स करके वो ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पे उनको कार वॉश की जॉब्स मिल रही है, पेट्रोल हो गया, कार वॉश की जॉब्स मिल रही हैं, या उनको जैसे वेटर्स की होटल्स में स्वीपर्स इस मतलब तरह अपने डिग्री के मेयार की जॉब नहीं, डिग्री के मेयार की वो सिर्फ अमाउंट देख रहे हैं भी, हाँ वहाँ डॉलर्स में है, वहाँ चंद सौ डॉलर्स के लिए वो डॉलर्स यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, वो देखते हैं भी यहाँ पे कितने हज़ार में वो हो रहा है। इंडिया की बात कर लें तो इंडिया के जो रेमिटेंसेस है वो बड़ी इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इंडिया की तालीम अच्छी है तो वो जब मुल्क से बाहर जाते हैं उन्हें अच्छी जॉब्स मिलती हैं, अच्छी सैलरी मिलती है, और वैसे भी कहा जाता है कि इंडियन लोगों को बाहर के कंट्रीज़ में वाइट कॉलर जॉब ज़्यादा मिल रही हैं। इंडिया हमसे काफ़ी आ गया ना, आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम देखें, उनके जो हाई स्कूल्स हैं, इवन के जो
प्राइवेट स्कूल तो दूर की बात, जो उनके हाई स्कूल है उनमें भी लैंग्वेज सिखाई जाती है, जैसे फ्रेंच होगी, जर्मन होगी, पर्शियन, इस तरह की चीज़, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है जब बाहर की जो कंट्रीज होती है वो उन्हीं लोगों को पिक करती हैं जो उनके साथ कम्युनिकेट कर सके, कम्युनिकेशन बड़ी जरूरी है ना, क्या बात, ठीक है ना। हम उनके साथ कम्युनिकेट, हमारे जो पाकिस्तान है हमारे तो जो 90% लोग हैं वो सही से उर्दू भी नहीं बोल सकते, वो क्या इंग्लिश बोलेंगे, क्या जर्मन बोलेंगे, क्या दूसरी जो लैंग्वेज, वो जुगाड़ लगा रहे, वो जुगाड़ लगा रहे होते हैं बेचारों को, तो दो दो तीन तीन साल लैंग्वेज सीखने में ही लग जाते हैं। आईलेट्स करते हैं, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं, ठीक है, पहले लाखों रुपए यहाँ जाया करते हैं, फिर वीजे पे करते हैं, फिर वहाँ जाके फिर भी उनको उस तरह की जॉब मिलती है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होता है, ठीक है ना। कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी आपको हायर करता है ना, वो आप में स्किल देता है भी आप किस तरह उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके क्लाइंट्स के साथ, या आप क्या सर्व कर सकते हैं उनके लिए। तो मतलब इंडिया पहले से ही बच्चों को तैयार कर रहा है, फ्रेंच सिखा रहा है, जर्मन सिखा रहा है, दूसरी लैंग्वेज सिखा रहा है कि अगर ये इंडियंस बाहर जाते हैं तो इनको लैंग्वेज का इशू ना आए, तो वो इतना अच्छा और इतना पहले का क्यों सोच लेते हैं? बस उनके कुछ सियासतदान अच्छे हैं, उनके साथ कोई और मसले मसाइल नहीं है, बॉर्डर के मसले नहीं हैं उनके, डंडे का मसला नहीं है उनके पास, हमारे पास ये मसले हैं। अगर मुल्क को ना सियासतदान चलाए ना तो वो ही चलाएगा, अगर मुल्क को कोई और जो इधर उधर के हाथ है ना वो चलाएंगे ना तो वो कभी भी नहीं सर्वाइव कर सकता। अच्छा, जो पाकिस्तानी बाहर जाते थे पहले पैसे ज़्यादा मुल्क में भेजते थे, अब $30 मिलियन का डिक्रीज हो रहा है, पैसा मुल्क में नहीं अब भेज रहे, क्या वजह? पैसा मुल्क में इसलिए नहीं भेज रहे, आपने निगरान सेटअप में देखा था अभी, वो कह रहे थे मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है ना, हाँ। तो वो क्यों अपना पैसा कमा के, वो जो जिस तरह भी कमा रहे हैं कोई मेहनत से या किस तरह भी, वो क्यों इधर भेजेंगे, चाहे वो इधर पैसा भेजेंगे भी चाहे डूब जाए उनका पैसा किसी भी बैंक में, फैमिलीज में ये मसला है ना। अगर पता है अभी, अगर पता नहीं है ना, ये तो कर्जों पर चल रहा है ना मुल्क, अगर वो अचानक डिफॉल्ट हो जाए एक माह बाद दो माह बाद तो वो क्या करेंगे? हम तो गए वो तो कहेंगे भी हम तो गए, तो वो तो यही कोशिश करेंगे वो सेविंग्स उनकी उधर ही उन्हीं मुल्क की बैंकों में रखें, जब उनके पास इतना हो जाए वो अपनी फैमिलीज को भी वहीं सेटअप कर।